टॉयलेट करने से लेकर कहा सुनी में लाइब्रेरी से आते समय बोलेरो कार से कुचला। हादसे में एक युवक की हुई मौत, आरोपी गिरफ्तार। इस बार खबर है कुचमन सिटी से। कुचमन सिटी में मंगलवार शाम लाइब्रेरी से आते समय टॉयलेट तीन व्यक्तियों के साथ बोलचाल होने को लेकर अज्ञात बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी में आए अकील वह अन्य तीन चार साथियों द्वारा टक्कर मार दी, जिसमें अंबाला रेंगर सूर्यकांत रहित रेंगर घायल हो गए, जिसमें सभी को कुचमन राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जिसमें सूर्यकांत बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसमें कुचमन राजकीय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर में इलाज के दौरान सूर्यकांत की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए लोगों ने कुचमन थाने का घेराव किया, जिसके बाद जयपुर से मृतक का शव कुचमन लाया गया, जिसमें परिजनों ने एम्बुलेंस को कुचमन थाने के बाहर रास्ता जाम करके प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, जिसमें कुचमन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणेश राम ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर एक टीम गठित की। इसमें टीम द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुचमन पुलिस ने बताया कि नामजद आरोपी अकील कसाई ने सख्ती पूर्वक पूछताछ के बाद आरोपी ने बताया कि घटना प्रयुक्त वाहन स्वयं व अपने साथी नगेंद्र सिंह कुलदीप के साथ मिलकर 13 तारीख को दोपहर बाद योजना बनाकर बुलेरो से किराया कर सांभर झील के पास चालक से मारपीट कर लूटी गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुचमन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणेश राम ने बताया कि अकील पुत्र फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी कुचमन, कुलदीप पुत्र गौतम सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 22 साल निवासी सांभर, राहुल पुत्र दिनेश कुमावत जाति कुमावत उम्र 20 साल निवासी कुचमन सिटी, कमल पुत्र ताराचंद जाति रेंगर उम्र 18 वर्ष निवासी कुचमन सिटी, नगेंद्र सिंह उर्फ निक्कू पुत्र ओम सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी कुचमन सिटी आदि को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा आज एक प्रार्थी अम्बालाल जाटोलिया निवासी कुचामण ने थाने पे लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि कल शाम करीब 6:30 के लगभग वह अपने दोस्त सूर्यकांत रेगर के साथ में लाइब्रेरी से घर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पेशाब करने रुक गया तो वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम अकील बताया, उसके साथ एक अन्य लड़का आया जिन्होंने पेशाब करने से टोका, जिसपे आपस में उनकी बोलचाल हो गई और इसका पता उनके पीछे दूरी पर उनके कुछ साथ में कुछ लोग थे जो बोलेरो गाड़ी के अंदर थे, उनको पता लगने में उन्होंने है जो आए और आकर लड़के के टक्कर मार दी, जिसमें सूर्यकांत गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको कल कुचामण से SMS हॉस्पिटल ने जयपुर रेफर किया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस संबंध में है जो थाना कुचामण पर अम्बालाल की रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है। प्रकरण में नामजद 3 संदिग्ध व्यक्तियों को दस्तयाब करके पूछताछ की जा रही है। वह है जो वाहन को भी डिटेन करके इस संबंध में सघन अनुसंधान जारी है। और आपकी क्या मांग है? कल रात को सूर्यकांत और पिंटू का मर्डर हुआ है, जिसकी कैंपर से टक्कर मारकर निर्मम हत्या की गई है। उसके एवज में हम सब यहाँ कुचामण थाने के पास एकत्रित हुए हैं और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है इन लोगों की, तब तक हम यहाँ अड़े रहेंगे। हमारी मांग ये है कि उन तीनों चारों अपराधियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए, तब हम यहाँ से बॉडी उठाएंगे, अन्यथा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको कुछ आश्वासन या कुछ मिला है? अभी तक ये कहा गया है कि एक अपराधी को हमने गिरफ्तार किया है और बाकी गिरफ्तारी बाकी है। क्या मर्डर की धारा में किया है, एक्सीडेंट में किया है? अभी तक ये किसी प्रकार की सूचना नहीं दी है, हम इसी के लिए यहाँ डटे हुए हैं।